हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि जो मैटर है, मैटर की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, और वो आपस में एक दूसरे में चेंज भी हो सकती थी। जैसे ठोस को गर्म किया तो द्रव बना, द्रव को गर्म किया तो गैस बना। इसमें वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर था। अभी हम मैटर के बारे में और भी क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे ये जो मैटर है, ये प्योर मैटर भी हो सकता है और ये मैटर इम्प्योर भी हो सकता है। अच्छा, जो मैटर जो प्योर है, प्योर के भी अन्य क्लासिफिकेशन रहते हैं। जैसे ये एलिमेंट, एक रहता है एलिमेंट और एक रहता है कंपाउंड। और इम्प्योर में आपके क्या क्या आएंगे? इम्प्योर में आपका एक तो इम्प्योर एक तरह से मिक्सचर ही रहता है। मिक्सचर मिक्सचर में आपका ये समांगी मिश्रण हो सकता है, होमोजीनियस। और एक हो सकता है हीटरोजीनियस। हीटरोजीनियस विषमांगी मिश्रण, जो मतलब कंप्लीटली मिलता नहीं है। समांगी मिश्रण जो होमोजीनियस होता है, जिसमें पूरी तरह से घुल जाए। जैसे आपने पानी में चीनी घोल दिया और वो पूरी तरह से घुल गई, तो उसे आप ऊपर से टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, टेस्ट सेम ही होगा। तो वो समांगी मिश्रण पूरी तरह से घुल गया। और अगर पूरी तरह से नट घुले, उसमें कण दिखाई दें, वो हीटरोजीनियस रहता है। तो हीटरोजीनियस और दो प्रकार का हो जाता है, एक कोलाइडल हो जाता है और एक सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन रहता है कि जैसे ये किसी लिक्विड में आपने घोला किसी सॉलिड को, और ये पार्टिकल दिख रहे हैं पूरी तरह से, इसमें घुले नहीं है, ये सस्पेंशन रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंशन। कोलाइडल होता है कि इस सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल होते हैं, नेक्ड आंख से दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। जैसे दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, दूध में कुछ ना कुछ रहते हैं, पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। अब देखो, इनको देखें, एलिमेंट और कंपाउंड को देखें। एलिमेंट ये है कि इसको फर्दर और फर्दर किसी अन्य चीज में नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। जैसे आपका मान लीजिए ये सोना है AU, इसको आप कितना भी तोड़ लो रहेगा तो AU ही, ये आपका एलिमेंट रहते हैं। अच्छा, इनमें और भी फर्दर क्लासिफिकेशन रहता है ना, तो क्लासिफिकेशन और भी इनको बहुत ज्यादा माइन्यूट अगर तोड़ देंगे तो इसको एटम लेवल तक तोड़ सकते हैं। फिर एटम की रेडियस, और वो तो तीसरे चैप्टर में है, पर लेकिन अभी हम जस्ट थोड़ा इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये क्या है एलिमेंट के बाद, ये जो कंपाउंड है, ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनेंगे और एक किसी निश्चित प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे H2O है जल, तो हाइड्रोजन के दो अणु हैं और एक ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का है। अच्छा, ये एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर रहता है? जैसे अगर मैं सिर्फ H लिखता तो ये एक एटम होता, अगर मैं H2 लिखूंगा तो ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल कैसा है? डाइएटॉमिक है। अगर मैं लिखता अकेला ऑक्सीजन O और एक लिखता हमें O2, तो ये O2 मॉलिक्यूल होता, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एक एटम होता। अगर ये O3 होता, ये ट्राई एटॉमिक होता, और फिर ये ओजोन कहलाता, तो ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर में ये सॉल्यूशन, देखो मिक्सचर में सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन में भी और कुछ चीजें रहती हैं। देखो सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन रहता है, इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन में दो तीन चीजें रहती हैं, एक तो रहता है सॉल्वेंट, एक रहता है सॉल्यूट। ये दोनों चीजें मिल जाएंगे तब बनेगा सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है विलायक, जिसमें चीज को घोला जाएगा, और सॉल्यूट है विलेय, जिसे घोला जाएगा, और सॉल्यूशन ये है विलयन। अब ये जो विलयन है ना,
ये विलयन कंसंट्रेटेड हो सकता है। अच्छा, विलायक और विलेय ये डिपेंड करेगा, जनरली जो रहता है ना विलायक ये ज्यादा मात्रा में रहता है, विलेय कम मात्रा वाला होता है। अच्छा, एक विलयन होता है संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड विलयन। ये सेचुरेटेड विलयन क्या रहता है कि भाई आपने विलेय जो सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में मिला दी किसी एक निश्चित तापमान पर, अब इससे ज्यादा नहीं मिला सकते, एक लिमिट से ज्यादा नहीं मिला सकते, उस स्थिति में जो विलयन रहता है उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आपने सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट मिला दिया है कि आप उससे ज्यादा नहीं मिला सकते, तब जो विलयन की अवस्था रहती है वो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक, और डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसको हम दो तरह के बोलते हैं, डायल्यूट भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड या सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, और एक चीज रहती है कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जब भाई जितना आप मिला दिया इससे ज्यादा आप इसमें नहीं मिला सकते, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। विलायकता मतलब कितना अमाउंट सॉल्यूट की हम मिला सकते हैं एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अच्छा, एक चीज रहती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें जो है ये पूरी तरह से घुलते नहीं है सस्पेंशन में। और फिर एक सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केटर, जो सस्पेंशन में पार्टिकल होते हैं वो जो लाइट उनसे पास होती है उसको स्केटर कर देते हैं और पाथ को विजिबल करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं सस्पेंशन वालों को, लेकिन कोलाइडल वालों को नेक साइड से नहीं देख सकते, और बीम ऑफ लाइट को वो भी स्केटर कर देते हैं कोलाइडल वाले भी। और जो टिंडल इफेक्ट रहता है, एक टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मतलब किसी भी आप विलयन के थ्रू लाइट को गुजारोगे तो लाइट क्या है, ये जो कण रहते हैं ये लाइट को स्केटर कर देते हैं जिससे कि ये जो पाथ है ना दिखता है लाइट वाला, इसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और टिंडल इफेक्ट को आप कोलोइडल सॉल्यूशन में देख पाते हैं। तो ये सब तो है इस चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करते हैं, और बाकी के यदि हम और यदि डिस्कस करें तो देखो आगे हल्का सा और हल्के से एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एलिमेंट्स में फिर ये क्या है कि इन एलिमेंट्स के जो नाम है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कॉपर है, तो इनके नाम रखे गए, तो कुछ जो एलिमेंट्स के नाम थे इस आधार पर रखे गए कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे साइप्रस, साइप्रस में जैसे कॉपर मिला तो इस साइप्रस के नाम के आधार पर कुछ कुछ इसका नाम कॉपर रख दिया। कुछ के लैटिन नाम ऐसे थे, जैसे सोना है, सोना का लैटिन में AuRuM रहता है, ओरम, और जैसे आपका Fe, ये इसका फेरम कुछ रहता है लैटिन नाम तो उसका एफ ई रख दिया। जैसे पोटेशियम है उसका केलियम कुछ होता है, केलियम, केलियम के आधार पर इसका पोटेशियम का प्रतीक के रख दिया। तो ये अब फिर एलिमेंट में भी हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु। तो मेटल क्या रहते हैं, मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जिनके बाहरी कोष में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और नॉन मेटल रहते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की प्रवृत्ति रहती है, और ये मेटलॉइड बीच वाले हैं। और एक दूसरे टाइप के आधार पर इसी टाइप से विभाजन होता है, उसमें बोलते हैं उनको कंडक्टर, मतलब चालकता, चालक हिंदी बोले चालक, इसमें नॉन कंडक्टर, अचालक, और
इसी मेटलॉइड के टर्म पर आता है सेमी कंडक्टर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे सोडियम की बात करते हैं, Na, सोडियम इसका परमाणु क्रमांक कितना 11 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास रखो कितने रखोगे 2, 8, 1, इसके बाहरी कोष में कितना है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अपना स्टेबल कॉन्फिगुरेशन अटेंड करेगा 2, 8 अक्रिय गैस का विन्यास धारण कर लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बना लेता है Na पॉजिटिव। अब जैसे मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना रहता है 12, परमाणु क्रमांक 12 रहता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना रहेगा 2, 8, 2। यदि ये अपना एक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अक्रिय गैस का विन्यास धारण कर लेगा 2, 8, तो क्या बना लेता है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Mg डबल पॉजिटिव। और यदि देखते हैं जैसे मानिए एल्यूमिनियम के बारे में देखें, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना है 13, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2, 8, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा तो क्या बना लेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बना लेगा Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये फिर ये तो हो गए आपके मेटल, अब जैसे नॉन मेटल में रहते हैं, जैसे मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2, 8, 7, इसके बाहरी कोष में क्या है 7। अब ये 7 त्यागने के बजाय अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 हो जाएगा, यानी कि इसका सेल बढ़ जाएगा, इसका स्टेबल सेल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ग्रहण कर लेता है तो बना लेता है Cl नेगेटिव। अब जैसे किसी विलयन में आपका सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, यही आपका नमक होता है साल्ट। ठीक, अच्छा ये एल्यूमिनियम है, ये कैसे क्लोरीन से जुड़ेगा, मतलब कितने कितने क्लोरीन कैसे जुड़ेंगे। जैसे भाई एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम तो एक विलयन में जाने में ये बताएगा ना Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कैसे करता है, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl नेगेटिव। अब इसको अगर मुझे जोड़ना है तो भाई इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 वैल्यू करनी पड़ेगी, 3Cl 3 इलेक्ट्रॉन 3Cl नेगेटिव। जब इसको जोड़ोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन में कट जाएंगे, तब ये बनेगा भाई एक एल्यूमिनियम जुड़ेगा 3 क्लोरीन क्लोरीन के साथ, तब ये बनेगा AlCl3 ऐसे करके, कैसे आपस में जुड़ते हैं। अब यही जैसे MgCl2 का केस होता, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे जुड़ेगा भाई, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, तो 2, 8, 2, तो ये कैसे बनाता है Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ना हो तो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाता है Cl नेगेटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों काटने तो ये 2 लेने पड़ेंगे, ये 2, तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे तब बनेगा MgCl2। सोडियम क्लोराइड के केस में क्यों हो जाता है, क्योंकि ये उसका भी एक है, उसका भी एक है। अच्छा ये 8 ही कैसे रहते हैं, ये देखो इस हिसाब से भरे जाते हैं, 2n² नियम के अनुसार भरे जाते हैं, 2n² रूल। 2n² रूल का क्या मतलब है कि जहाँ n बताता है कि नंबर ऑफ सेल कौन सा है, कि भाई पहली कक्षा में कितने, जैसे n इजिकल टू मैं 1 रखूँ, इसका मतलब है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले सेल में, तो पहले सेल में होंगे 2 × 1² 2 × 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यदि अगर बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना पहली में तो वो स्टेबल है, अगर n इजिकल टू 2 है दूसरी कक्षा में तो 2 × 2² 2×2 = 8, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, n इजिकल टू 3 तो तीसरी कक्षा में 2×3² 3×3 = 9, 18 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल है, n इजिकल टू 4 हो तो 2×4² 4×16 = 16×32, अगर बाहरी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल है। इसके आधार पर जैसे मैं मान ली इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना चाहूँ, जैसे मुझे मान ली मुझे दे दिया कि
पोटेशियम है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। तो कैसे लिखूंगा भाई, 19 का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में 8 हो गए, 8 दो 10 हो गए, अब कितने बचे 9। अच्छा एक रूल ये भी रहता है, जो बाहरी कक्षा है ना उसमें 8 से ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, 8 या 8 से कम ही रखेंगे। तो 9 है बाहरी कक्षा में, 9 तो रखूंगा नहीं, अगली कक्षा में तीसरी में 8 ले लो, अगली में 1, तो इसकी चौथी कक्षा में जाके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से त्याग देता है, और के पॉजिटिव आयन पोटेशियम धनायन बना लेता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के। और ये क्या है फिर, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं, मतलब धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये रहा, अच्छा हमने उनका भी देख लिया नॉन मेटल का भी। फिर सेमीकंडक्टर क्या रहते हैं, बीच वाले ग्रुप में, जैसे जहाँ आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का क्या रहेगा, जैसे 14 रहेगा सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का रहता है 32। तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का 2, 8, 4। तो इसमें बीच वाली स्टेज है, 4 इलेक्ट्रॉन है, न कम है न ज़्यादा है। जर्मेनियम का लिखूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कौन में क्या लिखूँगा, 2, 8, 10 हो गए, कितने बचे हैं अभी, 22 बचे हैं, अगले में 18 है, 4, 2, 8, 18, 4, तीसरे सेल में 18 लगे, तो ये जर्मेनियम का हो जाता है। अब इनमें भी सेमीकंडक्टर में क्या रहता है कि भाई सेमीकंडक्टर रहा, सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप के रहे, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर को हम बोलते हैं इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक इम्प्योर रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा प्योर सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं निज अर्धचालक, निज हिंदी में बोले तो निज अर्धचालक, ये बाह्य अर्धचालक। अच्छा निज अर्धचालक जिनमें कुछ नहीं मिला हुआ होता है, लेकिन जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ मिला होता है। इसमें हम क्या है भाई, ये कौन से फोर्थ ग्रुप में आया भाई, 2, 8, 4, ये फोर्थ ग्रुप में आया, 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे रहते हैं ये थोड़े से बता देते हैं आपको, कैसे रहते हैं ये देखो, पहले में रहेगा आपका सोडियम 11 वाला पहले ग्रुप में, दूसरे में मैग्नीशियम, तीसरे में एल्यूमिनियम, चौथे में सिलिकॉन, पांचवें में फॉस्फोरस, छठवें में सल्फर, सातवें में क्लोरीन, और आठवें में आर्गन। ये अक्रिय गैस हैं, 18 परमाणु क्रमांक वाला। तो ये सिलिकॉन, फिर नीचे जर्मेनियम, ये हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। अब इनमें यदि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं थर्ड ग्रुप से मिला सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसमें फिफ्थ ग्रुप में से मिला सकता हूँ। यदि हम मान ली फिफ्थ ग्रुप में से मिला देते हैं सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन का कितना हो गया, 2, 8, 4 है, मैंने मान ली फास्फोरस मिलाया, फास्फोरस का कितना हो गया इलेक्ट्रॉन कौन फिर 2, 8, 5। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 तो इसके साथ साझा कर लेंगे, मान ली कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, अगर साझा करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर ट्रांसफर होके बनाता है, जैसे NaCl में बना था कि भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया था, तो उनको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और अगर साझेदारी करके बनाते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध 4 का 4 का बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो घूमने के लिए फ्री है, ये करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव रहता है, तो इनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर थर्ड ग्रुप से मिलाऊं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें होल बनता है, एक खाली जगह रह जाती है, होल पॉजिटिव आयन रहता है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये नेगेटिव आयन रहता है। तो इस तरह से ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं, है ना, और तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से।